नमस्कार। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे में शिखर धवन ने एक साथ पांच खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका देने के लिए छह खिलाड़ियों को आराम दे दिया था, जिसका खामियाजा भारत को मैच में हार के रूप में भुगतना पड़ा। भारत ने भले ही सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी, लेकिन बावजूद इसके शिखर धवन को श्रीलंका को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने टीम के छह खिलाड़ियों को आराम दिया, इस रणनीति पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा बुरी तरह से भड़क गए हैं। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में कुल मिलाकर छह बदलाव किए गए और पांच खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया गया। विकेट कीपर संजू सैमसन, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, चेतन सकारिया और राहुल चाहर को अपना पहला वनडे खेलने का मौका मिला। 1980 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने एक साथ पांच खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया था। शिखर धवन की इसी रणनीति पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा बेहद खफा नजर आए। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा, अगर आप अपनी टीम में छह बदलाव करते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसा लगा कि तीसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को हल्के में ले लिया। टीम सीरीज पहले ही जीत चुकी थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस मैच को ज्यादा महत्व नहीं दिया। एक साथ इतने सारे बदलाव करना सही नहीं था और इसी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। आकाश चोपड़ा जहां टीम में बदलाव को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कप्तान शिखर धवन ने इस मुद्दे पर मैच के बाद कहा, मुझे काफी खुशी हो रही है कि इन खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू किया, क्योंकि हर कोई काफी लंबे समय से क्वारंटीन में था। हम सीरीज पहले ही जीत चुके थे और इसलिए हमारे पास मौका था कि इन खिलाड़ियों का डेब्यू करवा सके। आखिरी वनडे में शिखर धवन ने श्रीलंका की युवा टीम को हल्के में लिया और नए खिलाड़ियों को डेब्यू कराने के चक्कर में पड़ गए। बस इसी वजह से श्रीलंका की धरती पर लगातार 9 साल से भारत के कभी ना हारने का रिकॉर्ड टूट गया। भारत को आखिरी बार श्रीलंका की धरती पर 24 जुलाई को वनडे में हार मिली थी। उसके बाद से ही भारत ने श्रीलंका में 10 मैच खेले और सभी जीते, लेकिन 9 साल बाद आखिरकार धवन की रणनीति की वजह से 9 साल से चला आ रहा रिकॉर्ड टूट गया और श्रीलंका ने 3 विकेट से भारत को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। शिखर धवन श्रीलंका में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी लोकल टीम को नहीं। ऐसे में क्या एक साथ टीम में 6 बदलाव करना सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।